नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों। शिवपुरी जिले में दीपावली पर दिए का काम करने वाले लोगों पर गहराया संकट। बारिश के कारण मिट्टी के दिए बनाने का कारोबार हुआ ठप। शिवपुरी जिले में करीब 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्य राजमार्ग को किया जाम। विद्युत विभाग के खिलाफ मुद्भाग के लगाए नारे। शिवपुरी में आदिवासी बस्ती तालाब के पास 2 भाई पटाखों से बारूद फटने से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना में रोग निदान शिविर का निशुल्क हुआ आयोजन। लोगों ने लिया शिविर का लाभ। छतरपुर में अश्लील डांस का मामला आया सामने। पारंपरिक राई नृत्य के दौरान नगरपालिका कर्मी पर नृत्यांगना से छेड़खानी करने का लगाया आरोप। भिंड के एक स्कूल में थाना प्रभारी ने नशा मुक्ति अभियान के तहत युवा संवाद कार्यक्रम किया आयोजित। थाना प्रभारी समेत नायब तहसीलदार ने की शिरकत। हरिद्वार में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने लंपी रोगों से ग्रसित पशुओं को लेकर बीजेपी सरकार पर कसा तंज। पशु चिकित्सकों से वार्ता करके दिए सुझाव। लक्सर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। हाईवे पर 3 बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की याद में कॉलेज में प्रेरणा दिवस किया गया आयोजित। सभी छात्र छात्राओं ने की शिरकत। फरीदाबाद नगर पालिका के कर्मचारी रहे हड़ताल पर। नगर निगम का काम पूरी तरह हुआ ठप। लोगों को होना पड़ा परेशान।